अम्मा ज्यादा तुर्रम खान ना बनो, तुम्हारे जैसे तुर्रम खान बहुत आए मगर कुछ ना कर पाए। आपने अक्सर लोगों को इस तरह के डायलॉग मारते सुना होगा। इसका मतलब भी तकरीबन आप जानते ही होंगे कि बहुत ज्यादा जब कोई हीरो या रंगबाज बनता है तो हम उसे तुर्रम खान बोल दिया करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर तुर्रम खान असल में कौन था जिसके नाम का इस्तेमाल हम इस तरह किया करते हैं। दोस्तों हम आपको बताएं, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सिलेक्ट करें और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सन 1857 स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों को मारकर जिस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, हैदराबाद में उसका नेतृत्व तुर्रम खान ने किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्रम खान कोई मामूली शख्स नहीं था बल्कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का एक हीरो था। तुर्रम खान का असली नाम तुर्रेबाज खान था। तुर्रम खान हैदराबाद के बेगम बाजार में पैदा हुआ था। उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानकारी बहुत कम है, मगर 1857 की लड़ाई में उस वक्त उनका नाम उभर कर आया जब उन्होंने जमादार चीदा खान को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले की योजना बनाई। दरअसल हैदराबाद में अंग्रेजों के एक जमादार चीदा खान को विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ दिल्ली कूच करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे निजाम के मंत्री ने धोखे से कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया, जिन्होंने उसे ब्रिटिश रेजिडेंसी हाउस में कैद कर लिया गया। दोस्तों सभी को उम्मीद थी कि निजाम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की इस लड़ाई में साथ देगा, मगर वो धोखेबाज निकला। जब जमादार चीदा खान अपने 15 सैनिकों के साथ निजाम के पास समर्थन लेने पहुंचा तो निजाम के मंत्री ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश रेजिडेंसी में कैद कर लिया। उसी को छुड़ाने के लिए जांबाज तुर्रम खान अंग्रेजों पर आक्रमण को तैयार हो गया। 17 जुलाई 1857 की रात थी। तुर्रम खान ने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन के साथ मिलकर 5000 जांबाज लड़ाकों को तैयार किया। इसमें कई अरब स्टूडेंट्स और अन्य विद्रोही शामिल थे। योजना थी कि अचानक से ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोला जाए। तुर्रम खान को यकीन था कि अचानक हमले से अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और उन्हें फतेह हासिल होगी। उनकी मदद करने के लिए बब्बन खान और जय गोपाल दास ने रेजिडेंसी हाउस के सामने 2 मकान भी खाली कर दिए, मगर तुर्रम खान की इस योजना की भनक अंग्रेजों को लग चुकी थी। दरअसल निजाम के वजीर सलार गंज ने गद्दारी करते हुए अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी थी। अब अंग्रेज पूरी तरह से तुर्रम खान के हमले के लिए तैयार थे। अंग्रेज सैनिक बंदूकों और तोपों से लैस तुर्रम खान और उसके साथियों का इंतजार कर रहे थे, जबकि तुर्रम खान और उनके सैनिकों के पास केवल तलवार ही थी। पर वो तुर्रम खान ही क्या जो पीछे हट जाए। फिर क्या था, तुर्रम खान और उसके साथी अंग्रेजों पर टूट पड़े। तुर्रम की तलवार अंग्रेजों के तोप और बंदूक पर भारी पड़ने लगी, पर तुर्रम खान के बाकी साथी उतने शूरवीर नहीं थे। 17 जुलाई 1857 की सारी रात तुर्रम खान और अंग्रेजों के सेनापति मेजर SC ब्रिक्स अपने अपने सैनिकों सहित लड़ते रहे। रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सुबह 4 बजे तक विद्रोहियों को अंग्रेजी सैनिकों ने बुरी तरह हरा दिया। ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हुए हमले में कई जाबाज स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, पर अंग्रेज वहां तुर्रम खान को पकड़ने में नाकामयाब रहे। हालांकि निजाम के मंत्री तुर्राब अली खान ने तुर्रम खान का पता अंग्रेजों को बता दिया। अशूर खाना के पास जंगल में तुर्रम खान को पकड़ लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में तुर्रम खान पर मुकदमा चला। उनसे अपने बाकी साथियों का पता बताने के लिए कहा गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में तुर्रम खान को काला पानी की सजा दी गई। उन्हें जीवन भर सड़ने के लिए अंडमान भेजने की तैयारी शुरू हुई। हालांकि अंग्रेज उन्हें अंडमान भेज पाते इससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को तुर्रम खान अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गए। उसके बाद अंग्रेजों ने तुर्रम खान पर 5000 रुपये का इनाम रखा। हर ओर उन्हें पकड़ने के लिए सैनिक गश्त करने लगे। कुछ समय बाद एक ताल्लुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तूपरण के जंगलों में धोखे से तुर्रम खान को मार दिया। इतिहासकारों की माने तो तुर्रम खान के शव को रेजिडेंसी में लाकर पेड़ से नंगा लटका दिया गया। बता दे भारत सरकार ने उनकी याद में एक सड़क का नामकरण भी किया है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेन के पास तुर्रेबाज खान रोड स्थित है। तो तुर्रम खान वो शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, जान दे दी मगर वतन से गद्दारी नहीं की। असल में तुर्रम खान आज भी जिंदा है, हर उस शख्स के रूप में जो सत्य और न्याय हेतु अपने से कई गुना शक्तिशाली शत्रु से भी टकराने से हिचकते नहीं है।
अब अगर आपको कोई तुर्रम खां बोले तो उसे तंज नहीं बल्कि अपनी तारीफ समझिएगा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।